नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे धमतरी की बड़ी खबर के साथ, जहां 5 लाख का इनामी नक्सली अजय गिरफ्तार कर लिया गया। सीता नदी एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर था अजय। धमतरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर 5 लाख का इनामी एरिया कमेटी का सीता नदी एरिया कमेटी का कमांडर गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सली अजय को गिरफ्तार कर लिया है। सीता नदी एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर था अजय, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम था। धमतरी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस नक्सली को, इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब सीता नदी एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर 5 लाख का इनामी नक्सली, नाम है अजय, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो कई सारी वारदातों में, नक्सली वारदातों में ये नक्सली शामिल था, और कई ब्लास्ट जैसी घटनाओं में भी इसका हाथ, और इसके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं जहां पर इसने वारदातों को अंजाम दिया है। और यही वजह है कि इसके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित था। संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, क्या क्या इसके ऊपर आरोप है, किस तरीके से इसे गिरफ्तार किया गया है? दलम का सदस्य पुलिस बता रही है, और ये साथ ही एक अन्य कमेटी रावत समन्वय समिति जो नक्सलियों की है, उसका ये डिप्टी कमांडर के पद पर था। 5 लाख का इनामी बताया जा रहा है। 10 साल से ज्यादा समय से नक्सली मूवमेंट में एक्टिव था। अब ये पुलिस के हाथ लगा है और ये इसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी घोषित था। जी बिल्कुल। और कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई है अभिषेक, ये भी बताइए, क्योंकि ये 5 लाख का इनामी नक्सली, कैसे इसकी सूचना मिली, या फिर ये कुछ वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो धर दबोचा गया? देखिए, हाल में ही धमतरी पुलिस ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया था। उसके कुछ समय बाद जंगल से निशानदेही पर 38 लाख रुपए कैश और काफी सारा सामान हथियार बरामद किए गए थे। उसी सिलसिले के बाद ये अगली कार्रवाई पुलिस की है, जो धमतरी और उड़ीसा के जो बॉर्डर है उस इलाके से की गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो इसे बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है, कई सारी वारदातों में ये शामिल था। इसके पहले भी एक नक्सली को मार गिराया गया था, और निशानदेही पर ही इस तक भी पुलिस पहुंच पाई है। खबर रायगढ़ से, जहां गैंगरेप से जुड़ी बड़ी जानकारी है। गैंगरेप के आरोपी का ओडिशा में शव मिला है। सरायपाली में लोकेशन ट्रेस करके रायगढ़ पुलिस पहुंची थी। नाबालिग आरोपी के करंट की चपेट में आने से मौत होना बताया जा रहा है। रिंगाल पाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रक्षाबंधन के दिन महिला से गैंगरेप का आरोप इस पर लगा है। पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। छत्तीसगढ़ ओडिशा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए गई थी, और इसी दौरान रास्ते में उसके साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया था। और गैंगरेप के आरोपी का ओडिशा में शव मिला है। अब जानकारी ये मिली है कि करंट की चपेट में आने से आरोपी की मौत हो गई है। सरायपाली में लोकेशन ट्रेस कर पहुंची थी रायगढ़ पुलिस। नाबालिग आरोपी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। रिंगाल पाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रक्षाबंधन के दिन महिला से गैंगरेप का इस पर आरोप था। पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दुर्ग में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। स्कूल की दीवार में करंट दौड़ने के मामले में एक्शन लिया गया। खबर चलाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और सामने रहकर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करवाई गई। लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की बात कही गई है। तितुरडीह के स्वामी आत्मानंद स्कूल का ये पूरा मामला न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था, और उसके बाद ये एक्शन भी लिया गया है। बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। स्कूल की दीवार में करंट दौड़ने के मामले में एक्शन हुआ, और खबर चलाने के तुरंत बाद जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे, सामने रहकर बिजली व्यवस्था करवाई गई दुरुस्त। लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की बात कही गई। तितुरडीह के स्वामी आत्मानंद स्कूल का ये पूरा मामला है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, और उसके बाद जो करंट आ रहा था दीवार में, उसे ठीक किया गया। तो आप देखिए, पूरी दीवार में सीलन है, और शायद यही एक कारण है कि इसमें तार इसकी टच में आया और करंट पूरी दीवार में उतर गया। जैसे ही पता चला कि हमारे स्कूल में करंट है, कुछ कमरों में आ रहा है, तो
मॉर्निंग शिफ्ट में 1 to 11 तक क्लास लगती है, ये सारे बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी और 9 to 12 तक की क्लास लग रही थी तो, और मैं उस समय 2 दिन से छुट्टी पर थी और इस स्कूल की प्रभारी प्राचार्य चरणजीत कौर भुल्लर मैडम रहे हैं, उनसे मेरी तुरंत बात हुई है और मैंने कहा कि आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, सबसे पहले मेन पावर स्विच ऑफ कर दीजिएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए और चेक कराइएगा। तो तत्काल हम लोग प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन को बुलाए, उन्होंने चेक किया तो देखा कि एक पंखे में शॉर्टेज हो रहा था और समस्या का समाधान तुरंत पंखे में जो है शॉर्ट सर्किट की सूचना पर इस विद्यालय में प्राचार्य ने उसको बुला के सुधराया, उसमें कोई बच्चे वहाँ पर थे नहीं और वो जो शॉर्ट सर्किट के कारण दीवारों में जो करंट आया था उसको कल ठीक कर लिया गया है और इस तरह से बच्चे वहाँ पर कोई बच्चे को किसी प्रकार से हानि की कोई इसमें जानकारी नहीं है। दुर्ग का ये वही शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूल है जहाँ पर सैकड़ों लोगों की सैकड़ों बच्चों की जान खतरे में डालकर उनकी पढ़ाई करवाई जा रही थी। दरअसल यहाँ पर इस जर्जर बिल्डिंग में जो है तेज़ी से करंट दौड़ गया और करंट जो है वो चारों ओर फैलने लगा। उसके बाद में जब मालूम चला तो यहाँ पर बच्चों को बाहर निकलवा दिया गया, लेकिन उसके बाद में जो है बच्चों को यहाँ पर अंधेरे में ही ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था और इस प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछारें मारी जा रही हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। जैसा कि आपको मालूम है कि आज प्रदर्शन के लिए कहा गया था, कांग्रेस ने कहा था कि आज उग्र प्रदर्शन होगा, जिस तरीके से ये पूरी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और देखिए जो हमारे सहयोगी है वो भी मौके पर मौजूद है। चाहिए वहाँ पर ज्ञापन सौंपा मिले उसमें पहले ही वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया है और तो ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए जहां पर कांग्रेस का हल्ला बोल और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भोपाल से जहां पर आप देखिए जीतू पटवारी भी आपको नजर आ रहे हैं, हाथ में तख्ती लेकर जांच की मांग की कही जा रही है और जांच की मांग किए जाने की मांग लंबे समय से। और इसके बाद आज हालांकि पहले से ही कांग्रेस ने चिता दिया था कि एक उग्र प्रदर्शन होगा, कांग्रेस का हल्ला बोल होगा और उसके लिए रणनीति भी तय की गई थी। आप ये देखिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं लेकिन उसको तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र अभी कहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस बल तैनात है, हम देख पा रहे हैं कि बैरिकेड के ऊपर भी कांग्रेसी कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जब जीतू पटवारी के नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस का हल्ला बोल हो रहा है और इस बात तख्तियां लेकर जो कांग्रेसी हैं वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए बैरिकेड्स जो लगाए गए थे उनके ऊपर चढ़कर हल्ला बोल और इस दौरान आप देखेंगे नारे भी लगाए जा रहे हैं जहां पर जांच की मांग को लेकर यह प्रदर्शन, हालांकि जांच तो हो ही रही है लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का ये हल्ला बोल। तस्वीरें आपके सामने, अभी आपने हाल ही में देखा जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे हटाने के लिए पानी की बौछारें भी मारी गई हैं लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो जस के तस मौजूद हैं। बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर ये प्रदर्शन हो रहा है, हालांकि इसके चलते जो रास्ता है वो भी जाम हो रहा है। भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं और इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जो महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी मौके पर बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर नारे लगाती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो वह बैरिकेड लगाकर इन्हें रोकने की भी भरपूर कोशिश, पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए, इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं भोपाल से, जहाँ पर कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो मौजूदा घटनाओं को लेकर कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरें, जब भोपाल में जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस का हो रहा है, तो मौजूदा हालातों को देखते हुए यह प्रदर्शन हो रहा है। और जीतू पटवारी समेत कई कार्यकर्ता ईडी ऑफिस में ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। और आज अनियमितताओं के खिलाफ राजधानी भोपाल स्थित प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। और ये जो प्रदर्शन है, दरअसल ये प्रदर्शन मौजूदा स्थिति जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, इसको लेकर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये उग्र प्रदर्शन कांग्रेस का, यहाँ प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने की कोशिश। घबराती है ये सरकार, घबराती है जीपीसी से, और ये मांग है सरकार, ये अडानी के पूरे घोटाले में ये सरकार लिप्त है, पैसा इन्हीं का है, काला धन इन्हीं का गया हुआ है। सरकार है, अगर ये काम है तो क्यों ना जीपीसी करवाते हैं, ईडी से जांच क्यों नहीं कराते, सीबीआई क्यों नहीं कराते, क्या सीबीआई और ईडी विपक्षियों के लिए है क्या? ये एक बहुत बड़ा पूरी सदी का एक सबसे बड़ा एक तरह से घोटाला है। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जब तक ये जीपीसी नहीं होगी तब तक लड़ाई लड़ती रहेगी जनता की। तो सुना आपने, दरअसल ऐसा है कि नरेंद्र मोदी ने देश को कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाने वालों को पद दे दिए, काला धन आएगा और 15-15 लाख जाएंगे, फेक कंपनियों का नाश कर दूंगा, कैसी कैसी बातें कही, खाने वालों को पदों पे बिठाया। जो निर्मला भुच जिनकी कंपनी को 2,65,000 डॉलर से 10 लाख डॉलर जिनकी कंपनी की वैल्यू हो गई, ये क्या मैसेज है? हम दो हमारे को अडानी और अंबानी की इनकम लाखों गुना बढ़ गई और गरीब आदमी देश का और गरीब हो गया। 80% संपत्ति देश के गरीबों की 2 लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है, 20 लोगों के पास है, कैसा देश बनाया आपने? गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था ईमानदारी का, ना मेरा आगे कोई है ना मेरा पीछे कोई है, क्या मैसेज है ये? आगे पीछे अडानी और अंबानी है, ये मैसेज है। और अडानी की और अंबानी की दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो आप ये देखिए कि इसके पहले कांग्रेस ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से व्यापम चौराहा बोर्ड ऑफिस होते हुए अरेरा हिल्स पहुंचकर ज्ञापन देने के लिए अनुमति मांगे थे, लेकिन इनको अनुमति नहीं मिली है। और उसके बाद ये अब बोर्ड चौराहे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ज्ञापन देने जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेड्स लगाकर इनको रोक दिया गया है। और यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जो सेबी का पूरा वाकया सामने आया, उस पर जांच की मांग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है? जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप देखिए, जहाँ पर प्रदेश प्रभारी भगत जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इसमें शामिल हैं। और व्यापम चौराहे पर एकत्रित होकर ये सभी पैदल मार्च करते हुए पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए, लेकिन इनको रास्ते में ही बोर्ड ऑफिस चौराहे पर ही रोक दिया गया। और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे कोंडागांव से बड़ी खबर की, जहां शंकरपुर पैसोरा के ग्रामीणों को नहीं मिला राशन का चावल। ग्रामीणों ने राशन दुकान संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कार्ड में एंट्री करने के बाद भी नहीं देते हैं शक्कर। आप ये देखिए कि कार्ड में ये एंट्री की जाती है कि शक्कर का वितरण हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके राशन पूरा नहीं दिया जाता है, शक्कर नहीं दी जाती है। यानी कि साफ है कि गड़बड़ झाला यहां पर देखने को मिल रहा है। राशन के लिए परेशान करने का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया है।
कोंडा गांव का ये पूरा मामला। शंकरपुर पैसोरा के ग्रामीणों को नहीं मिला राशन का चावल। ग्रामीणों ने राशन दुकान संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्ड में एंट्री करने के बाद भी उन्हें शक्कर नहीं दी जाती है। राशन के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं रायपुर में